तो दोस्तों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों साल ख़त्म होने को आया है मगर कहानियों का सिलसिला और मेरी आवाज़ अभी भी हर कहानी के लिए वैसी ही है जिस तरह की आप मुझे भेजते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप मुझे कहानियाँ भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम हारून अंसारी है, मैं मुंबई बांद्रा से हूं और ठीक ये बात 2005 26 जुलाई की है। एक दिन शाम के वक्त मैं बाहर खेल रहा था, उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। खेलते खेलते मैं ऑटो रिक्शा में बैठा था कि तभी मैंने देखा कि ऑटो के ऊपर सामने वाले मिरर पर एक कुरान की आयत और एक जन्नत का दरवाज़ा लटका हुआ था। मैं उसे निकालकर उसके साथ खेल रहा था कि तभी मैंने सोचा कि लोग इन सब चीज़ों को अपनी पैंट में चाबी की तरह लटकाते हैं, अक्सर बाइक या फिर कार की चाबी में। इसीलिए स्टाइल मारने के चक्कर में जन्नत का दरवाज़ा मैंने अपनी पैंट में बांध लिया। उसे लगाकर मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर मैं अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ दवाई की लाइन में लगी थी। दोस्तों 26 जुलाई को मुंबई में बाढ़ आई थी, उसके बाद लोग ज़्यादा बीमार हुए थे तो मुफ्त में दवाइयाँ भी मिल रही थी। शाम 6:30 हो रहे थे। मैंने मेरी माँ को स्टाइल मारने के लिए उस चीज़ को दिखाया। मैंने कहा कि देखो अम्मी। उसे देखकर अम्मी बहुत घबरा गई और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागी। मैं इतना डर गया कि इधर उधर भागने लगा। अम्मी ने मुझे गुस्से में कहा कि तू इसे जिधर से भी लाया है वापस वहीं रख दे वरना तू बहुत मार खाएगा। दोस्तों मैं बहुत डर गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी सी बात के लिए माँ मुझे क्यों ऐसा बोल रही है। एक बार को तो मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मैं फटाफट से वहीं गया और उस दरवाजे को वापस वहीं रख दिया जहाँ से निकाला था। इसके बाद दोबारा मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने उसे वापस रख दिया है जहाँ से लाया था। माँ ने कहा ठीक है, अब तू सीधा घर जा, मैं दवा लेकर आती हूँ। इसके बाद दोस्तों मेरी बहन और हम चार भाई घर में बैठे पढ़ रहे थे। उस वक्त हमारी बहन हमें पढ़ाती थी, वो हम सब में सबसे बड़ी है। हम अक्सर 7 से 9 बजे तक अपनी बहन के साथ पढ़ाई करते थे और रात 9 बजे हम सब साथ में मिलकर खाना भी खाते थे। अब्बू रात को 10 बजे घर आते थे और अम्मी भी उसी वक्त आती थी, क्योंकि मेरी बुआ का घर हमारी गली से बाहर मेन रोड पर है। अम्मी वहाँ रोज़ 8 से 10 टीवी देखने जाया करती थी। अक्सर जब हम बैठकर खाना खाया करते थे तो मेरी बहन हमें कहानी सुनाती थी। एक दिन उसी रात को मेरी बहन हम सबको गांव की बात बता रही थी, जिस दिन मैंने जन्नत का दरवाज़ा अपनी पैंट में जिसमें बेल्ट लगाते हैं उसी में बांधा हुआ था। तो ठीक उस रात जब खाना खाते वक्त बहन कहानी सुना रही थी तब मेरा ध्यान अचानक दूसरे कमरे की तरफ गया। मुझे वहाँ पर एक साया था जो कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। मेरी बहन जैसा जैसा बता रही थी ठीक वो मुझे उसी तरह दिख रहा था, ठीक मेरी आंखों के सामने, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी प्लेट में खाने का एक निवाला बचा था, लेकिन जब मैंने उसे अपने मुंह में डालने के लिए उठाया तो मैं अपना हाथ ऊपर तक नहीं ले जा पाया। इसके थोड़ी देर बाद हुआ ये कि मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बोल रहा हो। मैंने इधर उधर देखा और फिर मन में ही बोलने लगा कि शायद मेरा वहम है। उधर से ध्यान हटाकर अपनी बहन की कहानी सुनने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे कान में वही आवाज़ आई और तो और इस बार वो आवाज़ मेरे मुंह से भी निकली। बहन ने कहा कि क्या है तुझे, सुनना है तो सुन वरना एक निवाला कब से तेरी प्लेट में है, इसे खाकर जा। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी बहन मुझे क्यों डांट रही है, लेकिन इसके एक मिनट बाद फिर वही आवाज़ मेरे मुंह से निकली। तो बहन ने मेरे बड़े वाले भाई से कहा कि इसको एक थप्पड़ मार। मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैं एकदम से चिल्लाया और सीधा खड़ा होकर बोलने लगा कि मैं तुम सबको मार दूंगा। दोस्तों सच बताऊं तो जिस भाई ने मुझे मारा था वो तो दरवाज़ा खोलकर भाग गया, वो पक्का बुआ के घर में गया था माँ को सब कुछ बताने। आप यकीन कीजिए जब मैं घर में था मुझे सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे छोटे भाई और मेरी बहन ने घेर लिया। मैंने कहा कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये सब कुछ मैं नहीं, मेरे अंदर से एक जिन बोल रहा था। सच कहूँ तो मुझे सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे मानो जुबान और जिस्म उसके काबू में थे,
मैं अपने आप को उससे कुछ बोल रहा था। उस वक्त जो भी हरकतें हो रही थी सब मेरे अंदर बसे जिन्न की थी। उसी वक्त मेरी बहन ने जोर से चिल्लाकर बोला, बचाओ, हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में कुछ लोग रहते हैं। उस आदमी ने पर्दा हटाकर एकदम अंदर आके बोला कि कौन परेशान कर रहा है तुम लोगों को। मैंने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर अंदर एक भी कदम बढ़ाया तो तू भी मरेगा। दोस्तों यकीन कीजिए, मेरी आवाज़ सुनकर वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसने कोई बुरी आत्मा देखी हो। इसके बाद मैंने जैसे ही अपना चेहरा अपने भाई बहन की तरफ घुमाया तो वो दोनों एकदम से चिल्लाकर बोले, बचाओ। और ठीक उसी वक्त जो कि मेरा सबसे छोटा भाई है उसने मेरे मुंह पर पानी का एक लोटा फेंक दिया और बहन कहने लगी कि मैं तेरी बहन हूँ, मुझे छोड़ दे। पर मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैंने अपने छोटे भाई को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन दोस्तों मैं क्या करता, मैं किसी और के बस में था। मैंने उसे इतनी बुरी तरीके से पटका कि वो उठ तक नहीं पा रहा था। बाद में पता चला कि उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। दोस्तों उसको पटकने के तुरंत बाद ही मेरी अम्मी और बुआ उन दोनों ने मुझे आकर पकड़ लिया। वो दोनों जोर जोर से कुरान की आयत पढ़ रहे थे। शायद उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन मैं फिर एकदम से चिल्ला रहा था। मेरी माँ ने मेरी बुआ से कहा कि गली में एक मस्जिद है, उधर मौलाना है, उनके पास ले चलो। दोस्तों उन लोगों की बात सुनकर मैं एकदम बहुत गुस्से में आ गया। मैंने अपने दोनों पैर हवा में उड़ा दिए और छोड़ने की जिद करने लगा, लेकिन बुआ और अम्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो लगातार आयतें पढ़ते पढ़ते मुझे मस्जिद में लेकर गए। मुझे देखकर गली के सब बच्चे मेरे साथ पीछे आने लगे, कहने लगे कि चलो, हारून को भूत ने पकड़ लिया है। दोस्तों जब हम मस्जिद के पास पहुंचे तो मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर सब के सब बच्चे भाग गए। मैं, मेरी अम्मी और बुआ वहां पर रह गए। उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उस वक्त अम्मी ने मेरे कानों में जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ी, जिसके बाद मैं एकदम से बेहोश हो गया। उस दिन के बाद मैं सीधा अगले दिन उठा। सच कहूं तो मुझे सब कुछ याद था। मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था। यकीन मानिए, मैं उस दिन घर से बाहर नहीं निकला। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मारा और कहा कि ये सब जन्नत का दरवाजा गलत जगह बांधने से हुआ है। बाकी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह लोग अपने पैंट में छल्ले लटकाते हैं, सेम मैंने भी वैसे ही किया था। नहीं मालूम, न जाने मुझे शायद इसी की सजा मिली होगी जो कि वो जिन्न मेरे जिस्म में आ गया। लेकिन शायद उस दिन वो चला गया था। उस दिन माँ ने मुझे बहुत मारा और ठीक उसी रात को मेरे भाई बहन और माँ बाप साथ में बैठ के हम सब खाना खा रहे थे। तभी मेरे अब्बू ने पूछा, ये तेरे होठों पर कैसी मार लगी? मैंने रोते हुए कहा कि अब्बू, मुझे अम्मी ने मारा है। दोस्तों मैंने बस इतना ही कहा था कि वो आवाज़ अचानक मेरे कानों में दोबारा आई। मैंने तुरंत अपने अब्बू से कहा कि मुझे फिर से वो आवाज़ आ रही है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। मेरे अब्बू हाफिज कुरान थे। उन्होंने मेरे सीने पर अपने कान को रखा और ज़ोर से दबाकर कुरान की आयत पढ़ी। यकीन मानिए, मैं इतने ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त उन दिनों मेरी गली में सब लोग डर गए। सब के सब मेरे घर की तरफ आकर देखने लगे। उस वक्त मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि बता नहीं सकता। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे सीने से लगाकर ही रखा। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया और जब उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। उस दिन के बाद मैं अभी तक ठीक हूँ। आज मैं 24 साल का हो चुका हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा एक लड़का भी है और अब मैं अपनी लाइफ में बेहद खुश हूँ। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर एक बार मैंने कुछ देखा था, वो मैं आपको दूसरी कहानी में सुनाऊंगा, जो कि मैं इसी कहानी में सुनाने वाला हूँ। लेकिन आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आप हामा धर्म की किसी भी किताब की आयत से नहीं खेलना, वरना जो हाल मेरा हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। बाकी ले चलता हूँ अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो कि आज से 7 साल पहले की है। 2016 की बात है। मैं अपने अब्बू की शॉप में टेलर का काम करता था, पर मुझे अब्बू के साथ काम करते करते अच्छा नहीं लगता था। सच कहूँ तो मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था और बातें करने का भी, लेकिन मैं अब्बू के सामने किसी से बात नहीं कर पाता था और ना ही मजाक कर पाता था। एक दिन की बात है, मैं रात को 10 बजे काम पर से आया तो ठीक अम्मी ने बताया
कि तेरा कोई दोस्त आया था जो कि तुझे ढूंढ रहा था, शायद उसे कोई काम होगा। मैंने अम्मी से उसका नाम पूछा, उन्होंने कहा मैं भूल गई। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। मैं जैसे ही खाना खाने बैठा तो अचानक मुझे आवाज़ आई कि हारून उठ, इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा रुक, खाना खाकर आता हूँ। मैं जैसे ही खाना खाकर उसके पास गया तो उसने मुझे काम बताया। उसने कहा कि तेरे लिए काम आया है, करेगा। मुझे 15 लोगों की ज़रूरत है जिसमें से 14 हो चुके हैं, क्या एक तू काम करेगा? मैंने उससे कहा कि काम तो बता। उसने कहा कैटरेस का काम है, कल शादी में खाना खिलाना है। सच कहूँ तो मौका अच्छा है, काम पूरे एक महीने का है। बोल कल चलेगा? मस्ती भी हो जाएगी, बाकी जितने भी लड़के हैं सब के सब मस्जिद के दोस्त हैं। मैंने हामी भरी और ठीक अगले दिन हम सब 5 बजे निकले। हम ठीक मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट जा रहे थे, दीवान सेंटर हॉल में काम था। हम सब ने बहुत अच्छे से काम किया और फिर घर जाने का समय है। सब ने सोचा कि पैदल ही चला जाए क्योंकि सारे के सारे दोस्त काफ़ी समय बाद मिले थे, क्यों ना मस्ती करके चला जाए। सब ने कहा ठीक है। बस आपको बता दूं कि वहाँ से हमारा घर 14 किलोमीटर की दूरी पर था। हम सब बात करते करते चले जा रहे थे। लगभग रात के 1:30 बज चुके थे। उस वक्त हम भूत की कहानियाँ बताते हुए चल रहे थे। सच कहूँ तो एक दूसरे की कहानियाँ सुनकर हम सब मन ही मन बहुत डरे हुए थे। तकरीबन 3 बजे तक हम सब अपने अपने मोहल्ले पहुँच गए। सच कहूँ तो उस दिन मुझे अपने दिल में थोड़ा डर सा लग रहा था। सबके सब अलग अलग जगह और अलग अलग गली में रहते थे। सब ने भूत की कहानियाँ सुनी थी और सबके सब डरे हुए थे। हम सब आपस में बातें कर रहे थे कि मुझे मेरे घर छोड़ दो फिर चले जाना। हमने एक दूसरे को उसके घर छोड़ा और धीरे धीरे दोस्त कम होते गए। उस दिन हम सब ने अपने जूते अपने हाथों पर रखे थे क्योंकि चलते चलते हमारे पैरों में दर्द हो रहा था। और तो और उस दिन हमारे मोहल्ले की लाइट किसी वजह से बंद थी, शायद खराब हो गई थी। और तो और उस दिन एक मुजरिम पुलिस चौकी से भागा था, 2 पुलिस वाले उसको लगातार ढूंढ रहे थे। जब उनके सामने हम लोग पहुंचे तो ठीक पुलिस वाले ने हम लोगों के ऊपर गन तान दी। हमसे कहा कि तुम सबके हाथ में जो है उसे ज़मीन पर रख दो। हमने चुपचाप रख दिया। हमारे जूते देखकर उन्होंने कहा कि तुम सब कहाँ से आ रहे हो? हमने बताया कि हम कैटरर्स के काम करके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तो जूते क्यों हाथ में लिए हैं? हमने कहा कि सर काफ़ी टाइम से पहनते पहनते पैरों में दर्द हो गया, इसीलिए हाथ में ले लिए। दोस्तों पुलिस वालों ने हमें चेक कर छोड़ दिया, बोला जल्दी सब अपने अपने घर जाओ, इतनी रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। हमने तो आओ देखा ना ताओ, ठीक जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगे। चलते चलते मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरा घर उस तरफ से जल्दी पड़ता है और तेरा घर इस तरफ से, भाई डर लगता है, तू मुझे पहले छोड़ दे। मैंने सोचा कि चलो ये डर रहा है, क्यों ना इसको मैं ही छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। सच कहूँ तो मेरे सब दोस्त अपने घर जा चुके थे। दोस्तों जब मैं उसे उसके घर छोड़कर जा रहा था तो मुझे मेरे दोस्त के पिताजी ने रोककर कहा कि बेटा एक काम कर, तू अभी इधर ही सो जा, कल सुबह चले जाना। मैंने अंकल को कहा कि अंकल मेरा घर इसी गली में 40 कदम की दूरी पर है। अंकल ने कहा कि ठीक है संभल कर जाना। मैंने उसी वक्त देखा कि मेरा दोस्त अपने पिताजी के साथ में खड़ा होकर मुंह पर उंगली रख के चुप होने के लिए बोल रहा था। मैंने उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगा। सच कहूँ तो उस वक्त अकेले में उनका दरवाज़ा बंद होने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था। सब के सब सोए हुए थे, गली में एकदम अंधेरा था। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके चुपचाप जा रहा था। दोस्तों मेरी गली के बाजू वाली गली में एक गणेश मंदिर है, उसके फ्रंट साइड का मेन गेट उसी गली में है और हमारी गली में उसी मंदिर का बैक साइड है और गेट भी है, पर वो अक्सर बंद ही रहता है। मैंने देखा कि वो गेट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है, उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है और बालों में गजरा लगा हुआ है। देखकर ऐसा लगता था कि शायद किसी की शादी के फंक्शन से आ रही थी। उसने मुझे देखा और पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने उससे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? उसने कहा मैं हर रोज़ इसी टाइम इधर आती हूँ,
दोस्तों, मैंने सोचा आती होगी, मैं तो इधर पहली बार आया हूँ, वो भी इतनी रात में। लेकिन दोस्तों, अब मुद्दे की बात करता हूँ। मेरी नज़र सीधा उसके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा उसके तलवे के ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। ये सब देखकर मैं घबरा गया। मैंने उससे कहा, मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी वक्त हो गया। मैं चुपचाप तेज़ी से जाने लगा। साथियों, मेरा घर वहाँ से 30 कदम की दूरी पर था। मैं जल्दी जल्दी जाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई बड़ी रफ्तार से आ रहा हो। और ठीक जब हम दोस्त काम पर से आ रहे थे, तब एक दोस्त ने बोला था कि जब ऐसा लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपना सीधा चलते जाना। मैं ठीक अपने घर के पास पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। अम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं जल्दी से अंदर आ गया। मैंने कहा कि अम्मी जल्दी दरवाज़ा बंद करो। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? मैं कांप रहा था। मेरी अम्मी समझ गई, उन्होंने मुझे अंदर की तरफ भेज दिया और मैं चुपचाप चादर डाल के सो गया। उस वक्त मेरे घर की लाइट बंद थी, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि मैंने चादर हटाकर देखने की कोशिश करी। मैंने देखा कि वो ठीक हमारी खिड़की से मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया तो अब्बू उठकर मेरे पास आए, पूछने लगे कि क्या हुआ। जब मैंने सब कुछ बताया तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़कर मेरे ऊपर फूंक मारी और कहा, अब आराम से सो जा। दोस्तों, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरा वो दोस्त घर आया था जिसे मैंने लास्ट में घर छोड़ा था। मैं जैसे ही उठा तो उसने मुझसे सीधा एक ही सवाल किया कि कैसा है। मैंने उससे पूछा कि तू सच बता, तेरी अम्मी ने तेरे अब्बू को क्यों चुप रहने को बोला। इसके बाद उसने बताया कि अब्बू तुझे इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि उस गली में एक लड़की ने खुद को जला लिया था। काफ़ी लोगों ने उसे गली में भटकते देखा था, लेकिन अम्मी ने अब्बू को इसलिए चुप कराया ताकि ये सब सुनने के बाद तू डर ना जाए। अच्छा, लेकिन मेरे भाई, मैंने जो देखा वो मुझे चुड़ैल ही लगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका क्या कहना है मैं जानना चाहता हूँ। सच कहूँ तो ये एक ऐसी हकीकत है जो कि मेरे पर बीती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ। बस इतनी ही थी ये कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी जल्द ही YouTube पर आएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी दो शानदार कहानियाँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 6 या 7 साल का था। दरअसल मैं और मेरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। उस वक्त हम वहाँ किसी को जानते भी नहीं थे और जब हमने वहाँ पर घर शिफ्ट करा तो ठीक दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे कि मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल मुझे रात में वॉशरूम जाने की आदत है। अक्सर जब बच्चे बड़े होते हैं, मैंने भी ठीक वही सोचा। मैं हमेशा माँ को अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन ऐसे ही रात को मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। पर तभी उसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दीवार खरोच रहा हो। सच कहूँ तो उस समय मैं बच्चा ही था। मुझे लगा कि शायद कोई ऐसे ही आवाज़ आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपने जीने की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ से कोई साया जा रहा था। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था। पहले तो मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पर जैसे तैसे मैंने ज़ोर ज़ोर से माँ का आवाज़ लगाना चालू कर दिया। यकीन कीजिएगा, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ को आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन उसी बीच माँ ने मुझे गुस्से में शांत रहने का इशारा किया। मैंने डरते डरते आंखें बंद कर ली और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह साया वहाँ से जा चुका था। इसके बाद मैंने दोबारा माँ को आवाज़ लगाई और माँ के उठते ही उन्हें सब कुछ बताया, पर उन्होंने मेरी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मुझे सच में पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन उठकर मैंने अपने आसपास के बच्चों से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में कुछ महीनों पहले एक किन्नर ने आत्महत्या कर ली थी, तो उसने अंदर पंखे से लटक कर फांसी लगाई थी। बाकी दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस दिन जो देखा वो एकदम सच था। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी अमित की कहानी। कहानी छोटी थी मगर सच जानकर
उन्हें कैसा लग रहा होगा ये तो वही जानते हैं। बाकी मैं आपको ले चलता हूं तीसरी कहानी की ओर, आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, मैं एमपी के जबलपुर से हूं। ये कहानी मेरे भैया के साथ हुई थी लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकता। बात आज से 6 साल पहले की है। उस वक्त मेरे भैया लखनडौन शहर, जो कि जबलपुर से 80 किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ रहते थे। वो उस वक्त LIC में वसूली का काम करते थे। एक रात भैया अपना काम करके घर की ओर लौटे, खाना वगैरह खाकर सोने जा ही रहे थे कि उनको एक दोस्त का कॉल आया। उनका दोस्त उस समय उनके कज़िन के बारात में जा रहा था लेकिन वो किसी कारणवश बस में नहीं बैठ पाया। उसने ठीक मेरे भैया से कहा कि प्लीज़ मुझे बारात के पास तक पहुँचा दे। वैसे भैया पहले तो नहीं माने लेकिन जब उनके दोस्त ने जोर डाला तब उन्हें मानना ही पड़ा। बारात को लखनडौन से 20 किलोमीटर आगे जाना था। खैर भैया और उनका दोस्त करीब 9:30 बजे तक और आधे घंटे में वहां पहुंच भी गए। इसके बाद भैया 1-2 घंटे के लिए वहां पर रुके, फिर करीब 12 बजे वो वहां से वापस निकले। उस वक्त उनके दोस्त पिताजी और ताऊजी ने उन्हें रुकने को कहा कि वो इतनी रात को अकेले ना जाए, क्योंकि हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर अक्सर एक पुल के पास चोरियां डकैती और मर्डर हुए थे। लेकिन भैया ने जिद करके वापस जाना ही ठीक समझा क्योंकि उन्हें सुबह काम पर जल्दी भी जाना था। भैया ठीक आखिरकार उसी पुल के पास पहुंचे तो उन्हें एक लड़की पुल के किनारे के पास खड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि पास की ही कोई लड़की होगी। लड़की तुरंत ही उनकी पेट्रोल की टैंकी में आकर बैठ गई। ये सब देखकर भैया बहुत डर गए लेकिन वो लड़की अभी भी उनकी गाड़ी की टैंकी में बैठी हुई थी। वो लगातार उन्हें पलटकर देखकर हंसे जा रही थी। भैया वाकई बहुत डर चुके थे। वो ठीक चलती गाड़ी में ही बेहोश होकर गिर गए। वो ठीक सुबह के 5 या 6 बजे तक वहीं बेहोश पड़े रहे। उन्हें जब होश आया जब बहुत ज़्यादा सवेरा हो चुका था। उन्हें ठीक पैर और पीठ पर चोट आई थी। वो थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहे। उस वक्त आती जाती हुई गाड़ियां उन्हें नज़रअंदाज करके निकल जाती। रास्ते में फोन भी न जाने कहां गिर गया। वो अपने घर पर कॉल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके पहचान के दो लोग उन्हें देखकर रुक गए। उन्होंने तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज कराया। साथ ही भैया ने उन्हें अपनी आपबीती भी सुनाई। हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उस रास्ते में बहुत मर्डर हुए हैं और अक्सर वहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और रही बात उस लड़की की, तो एक परिवार के साथ वहां उनके साथ लूटपाट हुई थी। उनके परिवार के तकरीबन 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शायद अभी भी उस लड़की की आत्मा लोगों को दिखाई देती रहती है। शुक्र है आप सही सलामत बच गए। बाकी दोस्तों ये थी मेरे भैया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों ये थी आदित्य की कहानी। बाकी ले चलता हूं आपको हमारी चौथी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली कहानियां भेजने के लिए। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने मेरी सभी कहानियों को अपने चैनल पर सुनाया और मैं माफी चाहती हूं कि एक बार मैं अपनी कहानियां पूरी नहीं भेज पाई, लेकिन आज मैं इस कहानी को पूरा कर रही हूं जो कि मेरी सहेली के साथ घटी थी। मेरी सहेली इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करती इसीलिए मैं इस कहानी को भेज रही हूं। तो चलिए कहानी पर आते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुनीता है, मैं अजमेर शहर की रहने वाली हूं। मेरे माता पिता भी अजमेर के रहने वाले हैं। ये घटना जब की है जब मैं 1 साल की बच्ची थी। माता पिता दोनों ही अजमेर के रहने वाले हैं, जिस कारण मेरी नानी का घर भी अजमेर में ही है। शादी के बाद माता पिता रहने के लिए जोधपुर चले गए क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी वहीं थी जब मैं 1 साल की थी। उन दिनों माता पिता मुझे लेकर अजमेर नानी से मिलने आए क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ही खराब थी। अजमेर के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगी, वो यह है कि अजमेर के कुछ इलाके डरावनी जगहों के नाम से फेमस हैं। वहाँ रात और दिन दोनों ही समय कभी भी डरावने हादसे घट जाते हैं। खैर जब मेरे माता पिता ट्रेन से उतरे तब 3 बजे थे। माता पिता ने ऑटो करा लेकिन किसी कारणवश रास्ते में ही ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। वो तुरंत ही ऑटो से उतर गए
वो ठीक हजीराबाद पहुंच चुके थे। वहां से मेरी नानी का घर पैदल 1 घंटे का रास्ता था। माता पिता मुझे पैदल ही गोद में लेकर चलने लगे क्योंकि पिताजी के हाथ में भारी बैग था। मैं उस वक्त माँ की गोद में थी। लेकिन दोस्तों अचानक हजारीबाग मार्केट में सब तरफ शोर होने के बावजूद, गाड़ियां होने के बावजूद, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिस पर वो आज तक विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें उस वक्त एक औरत आदमी और एक बच्ची जाते हुए दिखाई थी। वो ठीक उन तीनों के पीछे पीछे जाने लगे। आगे जाकर उन्हें जिस मोड़ पर मुड़ना था वो वहां जाने के बजाय उनके पीछे जाने के लिए दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। वो ठीक उनके पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें उन्हीं के साथ जाना हो। तभी अचानक उस वक्त मेरे पिताजी को उनके एक पुराने बचपन के दोस्त ने आवाज दी, कहा कि अरे तुम वहां कहां जा रहे हो। जिस पर उनका ध्यान अचानक भटका और मानो नींद से जाग गए हो। जगह देखकर वो एकदम समझ गए कि आखिर वो इस रास्ते पर कैसे पहुंचे। उन्होंने अपने दोस्त को सारी बातें बताई तो उसने कहा कि भाई चल, ये समय ठीक नहीं है, तुम अभी इस वक्त घर जाओ। दोस्तों इतना कहकर वो वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई क्योंकि हम घर तो पहुंच गए लेकिन उस रात अचानक छोटी बच्ची जो कि मैं थी बहुत जोर जोर से रोने लगी। सबको लगा कि शायद नई जगह है इस वजह से रो रही होगी। साथ ही अचानक घर की लाइट भी चली गई। मामा ने आसपास जाकर चेक किया लेकिन बाकी घरों की लाइट आ रही थी। पता चला कि सब कुछ ठीक है पर लाइट क्यों नहीं आ रही। देर रात थी, कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आ सकता था। खैर मोमबत्ती की रोशनी में ही रात काटने लगे। उस वक्त अचानक जोर जोर से आवाजें होने लगी, वो भी ठीक उनके दरवाजे पर। माँ एकदम उठकर दरवाजा खोलने के लिए खड़ी हुई लेकिन अचानक मेरी नानी ने माँ को दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि समय देखो 11 बज रहे हैं, इस वक्त बाहर कौन पड़ोसी आएगा, वैसे भी आज तक तो कभी कोई नहीं आया। यकीन कीजिएगा मैं पूरी रात भर रोती रही। माँ मुझे छत पर बैठने के लिए ले गई। उसी बीच दरवाजे से आ रही आवाज़ भी अचानक बंद हो गई। मेरा रोना भी शांत हो चुका था लेकिन नानी ने मुझे वापस नीचे आने को कहा। उन्होंने ठीक अगले दिन ही मुझे और माता पिता का सामान बांध कर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा लौट कर मत आना। बाकी दोस्तों स्टेशन तक जाने के लिए जो ऑटो आ रहे थे, अचानक एक ऑटो का ब्रेक्स खराब हो गए जिसके कारण उसने आने से मना कर दिया। लेकिन कब तक, आखिरकार हमें ऑटो मिला और हम तुरंत ही वापस आ गए। दोस्तों आज 20 साल हो चुके हैं हम वहाँ नहीं गए। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ था लेकिन उसके 15 दिन बाद ही खबर आई कि मेरी नानी नहीं रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वही उन्हें अपने साथ लेकर गई होगी। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। धन्यवाद। आइए दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारी आखिरी कहानी का, आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम राकेश है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 34 साल है और ये बात आज से 10 साल पहले की है जब मैं एक टीनेजर था। दोस्तों उस वक्त मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में काम करने गया था। आते वक्त हमें रात के तकरीबन 2 बज गए। उस वक्त हम 4 दोस्त थे जिनमें से 2 दोस्त आगे ही अपने घर की ओर मुड़ गए और मैं और मेरा एक दोस्त आगे आने लगे। चलते चलते दोस्त के पास उसकी बहन का फ़ोन आने लगा, उसे ठीक वहीं से जाना पड़ा। हालांकि वो मेरे साथ मेरे घर तक आने वाला था लेकिन उस वक्त फ़ोन के चक्कर में वो अपनी साइकिल लेकर घर चला गया। मैं ठीक अपनी साइकिल में अकेला रह गया। मेरे हाथों में गुलाब जामुन थे और जिस रास्ते से मैं आ रहा था मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि मैं जानता था कि आगे ही शमशान है। लेकिन दोस्तों जाने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था, मुझे वहीं से होकर जाना था। मैं ठीक हनुमान जी का नाम लेते लेते आगे बढ़ता चला। दोस्तों इसके बाद शमशान आया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वहां मैंने एक मुर्दा देखा जो कि जल रहा था। यकीन मानिए मैं जब वहां से निकलने वाला था तो मैंने पाया कि वो मुझे देखकर एकदम से उठ गया। सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कन एक ही पल के लिए रुक गई, मैं सुन्न खड़ा था। वो मुर्दा ठीक थोड़ा आगे बढ़ा और मुझे देखकर हंसने लगा। सच कहूं तो एक पल के लिए मैंने अपने होश खो दिए थे लेकिन जब मैंने उसकी हंसी सुनी तो बहुत तेजी से भागा। मैं सीधा अपने घर आकर रुका और सो गया। सच कहूं तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई पर मुझे 2-3 दिन तक बहुत तेज बुखार रहा। जब मेरी दीदी गांव से आई
तो उन्होंने मेरी यह हालत देखी और कहा कि शायद इसका कोई ऊपरी चक्कर लगता है। लेकिन साथ ही मेरी माँ इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, दीदी पिछले ज़माने की थी और वो जल्द ही मुझे हमारे पास के एक मंदिर में लेकर गई। वहाँ पहुँचकर मुझे झाड़ा लगाया गया और वापस भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, मुझे आराम नहीं पड़ा। वह इसके बाद मुझे एक मौलवी के पास लेकर गई जो कि बी ब्लॉक में रहते हैं। वहाँ उन्होंने बताया कि वो हवा मेरे पीछे इसलिए लगी थी क्योंकि मेरे हाथों में गुलाब जामुन थे। और दोस्तों, ये हवा और भूत चुड़ैल हमेशा मीठे के पीछे बहुत जल्दी आते हैं। खैर, उस वक्त तो गुलाब जामुन उन्होंने मुझे वहाँ वापस रखने को कहे। मैंने ठीक ऐसा ही किया और तब से मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। लेकिन दोस्तों, बड़े बूढ़ों का ये कहना है कि कभी भी रात को आते समय अपने साथ चिकन वगैरह ना रखें। ये तो सच है और हमेशा रहेगा। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरे साथ इस तरीके से जुड़े हैं। जल्द ही मिलूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।